ब्रह्मलीन ठाकुर भगवान सिंह पटेल की स्मृति में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के अंतिम दिन कृष्ण सुदामा का मिलन के साथ समापन हुआ। इसके बाद भव्य आरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। शहर के समीप ग्राम झालरिया में भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव शुक्रवार को समापन हो गया। ब्रह्मलीन ठाकुर भगवान सिंह पटेल की स्मृति में किए जा रहे इस ज्ञान गंगा महोत्सव में कृष्ण और सुदामा के मिलाप के बाद महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन था। पटेल परिवार द्वारा पिछले 3 सालों से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक विश्वजीत सिंह सिसोदिया और क्षेत्रीय सरपंच भगवान सिंह सिसोदिया ने बताया कि लोगों में भगवान के प्रति जागरूकता आए, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा प्रतिवर्ष ग्राम झालरिया में की जाती है। 2 वर्षों से आयोजन हो रहा है, यहाँ पे 2रे साल का आयोजन है। ठाकुर भगवान सिंह जी पटेल साहब जो गांव के पटेल थे, बहुत अच्छे आदमी थे। केदारनाथ जो त्रासदी 2013 में वो गए थे, वहाँ उनका ब्रह्मलीन हो गए थे, उनके सानिध्य में ये कथा करवा रहे हैं। पंडित अनिल शर्मा हैं, उनके मुखार बिंद से कथा करवा रहे हैं। काफ़ी आसपास के गांव के लोग आ रहे हैं और अच्छा आयोजन हो रहा है। आपका नाम? भगवान सिंह सिसोदिया, सरपंच ग्राम पंचायत झालरिया। कथा समापन की ओर है और आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन का कार्यक्रम है और जो कि अभी फिलहाल चल ही रहा है, और कथा के पश्चात महाआरती होने वाली है। महाआरती के बाद में महाप्रसादी भंडारा का आयोजन भी किया गया है। कितने सालों से ये भागवत कथा का आयोजन है? मतलब ऐसे तो हमारे पिताजी वगैरह पहले से ही करवाते आ रहे हैं, बट गुरु जी से 2 साल से, पिछले साल भी करवाई थी, इस साल भी करवा रहे हैं। के पहले भी मतलब सतत 5-6 वर्षों से हम कथा करवाते आ रहे हैं। महाराज जो है वो कहाँ के हैं और किस तरीके से? देवास ज़िले के पास में धम्मानी गांव, विजयागंज मंडी के पास के निवासी हैं गुरुजी। और क्योंकि ये मालवा माटी के संत कहे जाते हैं, मालवी भाषा में ये कथा का उद्बोधन करते हैं, जिससे कि श्रोताओं को सुनने में और समझने में बहुत आसानी रहती है। और क्योंकि संस्कृत में देना बहुत समझ में हर किसी के आना बहुत तकलीफ रहती है, इसलिए सरल भाषा में, मालवी भाषा में, ताकि हमारे गांव की माताओं बहनों को कथा आचरण में लेने में आए, ऐसा उनका। विश्वजीत सिंह सिसोदिया, जनपद सदस्य, इंदौर।